तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस कुर्सी की, जो प्रीमियम कुर्सी है। क्या बोल रहा, कुर्सी कुर्सी नहीं है, ये चेयर है, क्योंकि बहुत अच्छी चेयर है और महंगी चेयर है, तो इसको हम कुर्सी ना कहके कुर्सी आप ऐसी चेयर को कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये आपको कुर्सी कह सकते हैं आप इसको, ये कुर्सी है, क्योंकि मैं इस चेयर पे पिछले एक साल डेढ़ साल से बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरी गले की और गर्दन की जो वाट लगती है इस पे डेढ़ दो घंटे बाद अगर आप बैठते हैं, अगर आप दो घंटे के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति हैं, इंसान हैं, तो आप दो घंटे के ऊपर इस पे नहीं बैठ सकते। या तो आपको उठना पड़ेगा, तो थोड़ी जाके स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे जब आप अगर रिलैक्स करने के मूड में आएंगे कि आप पीछे गर्दन करके आराम कर लें, कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मुझे मजबूरन पैसे की बर्बादी करनी पड़ी और मैंने ले लिया है ग्रीन सोल की आने वाली GS734US। ये मैंने ले ली है, तो जो कि आपने कई लोगों ने देखा होगा, गेमर्स ने, ये चेयर क्यों लेते हैं जनरली लोग, मैं बता देता हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग, देखने में अच्छी लगती है वीडियो में, बैठने में तो अभी मुझे पता नहीं चला, तो बैठ के भी इसका आपको रिव्यू दूंगा नेक्स्ट एक दो चार एक हफ्ते में, तो उसका भी रिव्यू मिल जाएगा कैसी है बैठने में, इज इट वर्थ कि इस पे इतना पैसा लगाया जाए, या फिर आप ऐसी भी इकोनॉमिक चेयर खरीद सकते हैं, तो वो भी हम इस पे वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी चलते हैं जल्दी से इसके अंदर, देखते हैं इस बड़े से डिब्बे के अंदर ग्रीन सोल के क्या भेजा उन्होंने। मैंने तब पैसा दे दिया, लेकिन क्या भेजा है देखते हैं, कुछ आई होप कि अच्छा ही निकले। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इधर अपसाइड लिखा है एरो, तो आपको इधर ही से ही खोलना है। ओके भाई साहब, बहुत भारी, अकेले बस की नहीं है, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं है क्या। पैकिंग काफी अच्छी दी है इन्होंने, टूटने का सवाल नहीं होता, कुर्सी हमारी। तो खुल जा सिम सिम। ओके सो मेरी पैंट गंदी हो गई, ओह माय गॉड। तो चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला लुक जो देखने में है गाइस, यकीन मानिए मजा आ जाता है। चलिए, इसमें ऊपर हमें इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाते हैं, इसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ द ओनर ऑफ ब्रांड न्यू ग्रीन सोल एर्गोनॉमिक चेयर। रुकिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ना कहेंगे कि आपको दिखाया नहीं। बहुत खुशी हो रही है गाइस, मैं ग्रीन सोल का पार्ट हो गया और मेरे पास ग्रीन सोल की चेयर आ चुकी है। तो चलिए जल्दी, और एक सेकेंड, इसके पीछे आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन गाइड, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर कंप्यूटर होता तो मैं बना भी देता, बट इसकी आई थिंक मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इसको रखते हैं साइड में और जल्दी से देखते हैं अंदर क्या मिलता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यकीन मानिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ये प्रीमियम फिनिश का जो चेयर है पीछे की। ये है बैक सपोर्ट पीछे का, और इसके पीछे हमें देखने को मिल जाती है फ्रंट अनबैजिंग इसकी, सॉरी इसके पीछे हमें देखने को मिल जाती है इसका ग्रीन सोल का लोगो, जो कि बहुत अच्छा लगता है, इसी के लिए पैसे हैं, अगर ये ना लिखा जाएगा तो खराब दिखेगा। और इसकी कुशनिंग काफी सॉफ्ट है, तो इसको रखते हैं साइड में। तो चलिए और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। और इसके अंदर हमें मिलते हैं शक्तिमान, जिसके ऊपर आप बैठ के नाचेंगे ऐसे ऐसे, शक्तिमान शक्तिमान सर। तो इसको साइड रखते हैं, और इसके अंदर देखने को मिल जाता है एक डब्बा, जिसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, शायद इसके व्हील्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी कुर्सी है, इतनी महंगी प्रीमियम फिनिश वाली, ये रहा इसके अंदर का, यार बहुत भारी है, जिनका लेना है इसके पहले, अगर आपको ऐसी चेयर चाहिए तो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको लगाने में। आई डोंट नो व्हाई इसका एक साइड का ये ऐसे ऐसे है, बाकी दूसरे साइड का टाइट है। आई थिंक इसको ढीला करना पड़ेगा या फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिफेक्टिव है गाइस तो दिक्कत वाली होने वाली है, वीडियो को ऐसी की जैसी हो जाएगी, तो अभी पता कर लेंगे इसको लगाने में कैसा होगा। तो इसको रखते हैं साइड में, और इसके अंदर हमें मिलते हैं इसके हैंडल्स, आ जाए इधर, इसके अंदर हमें मिलते हैं इसके हैंडल्स, देखिए जो कि दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और इसके अंदर आपको मिलती है ये छोटू सी तकिया ग्रीन शोल की, तो इसको जब लगाएंगे तो इसकी यूज होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता,
क्योंकि देख काफी सॉफ्ट है ये, मतलब क्या बताऊ मैं, काफी सॉफ्ट है ये। इस तरह का अगर मटेरियल आपका इसमें लगा होगा जिसपे आप बैठेंगे तो काफी अच्छा होना चाहिए। वी विल फिगर इट आउट, देखेंगे कैसा है ये। बाकी इसके अंदर हमें मिलता है ये बैक सपोर्ट के लिए जो पीछे लगेगा यहाँ पे, ठीक है। काफी सॉफ्ट है ये, आई थिंक मेमोरी फोम का यूज किया गया इसमें, और इसमें नो मेमोरी फोम आई थिंक क्यों नहीं किया गया, पैसे बचाए गए पैसे, ठीक है। और ये हमें मिलता है, ये जो है क्या कहते हैं इसे, झूला झूलने वाली नीचे मशीन जिसमें आप बैठ के ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, अब आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, मेरे पसीने छूट रहे हैं भाई, इतनी भारी है गाइस, बहुत भारी है ये, हल्की में मत लीजिएगा, पैसा लगा है इस पे इसलिए भारी है। और एक सेकंड, इसके अंदर हमें मिलते हैं प्रीमियम फिनिश के ग्लव्स। गाइस देख सकते हैं ये एलियन के हाथ है ये दिस वन ग्रीन सोल, यू कांट सी मी, ऐसा नहीं करना चाहिए ग्रीन सोल आपको। सो जल्दी से अब हम इसको सारे पार्ट्स को जोड़ लेंगे क्योंकि अब आप देखने वाले हैं टाइम लैप्स स्टार्ट होता है 1 2 3 एक सेकेंड, लाइक करो फॉलो करो बाय। It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. फाइनली हमारी चेयर असेंबली हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे ये मैंने शर्ट क्यों बदल ली, क्योंकि ब्लू और ऑरेंज इससे मैच करता है थोड़ा सा, मुझे वो शर्ट पसंद नहीं आ रही थी इस वीडियो पे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वीडियो में कैसी लग रही है, मैं एक बार पीछे से दिखा देता हूँ कोई बैठता है तो कैसा लगता है। मेन चीज इस लोगो का है, बहुत अच्छा लुक आता है पीछे से, आप देख सकते हैं इस चीज को। तो चलिए बात करते हैं इस चेयर को, वैसे भी असेंबली जो इसकी ट्यूटोरियल्स है मैंने कैसे बनाया, क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, उसको प्रॉपर एक अलग वीडियो बन जाएगी ताकि आप उससे, अगर जिसको असेंबली देखनी है तो वो उस वीडियो पे देख सकता है, बाकी इसको रिव्यू और अनबॉक्सिंग देखनी है इस चीज पे देख सकता है। तो अब बात करते हैं इस फीचर में क्या क्या मिल जाता है, चेयर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो एक सेकेंड, सो सबसे पहली चीज इसका जो ये हैंड रेस्ट वाला है, आप देख सकते हैं इसको ऐसे करके, एक यहाँ स्विच होता है, स्विच इसको ऐसे किया अंदर की ओर किया, अबे क्या कर रहा है ये अंदर की ओर कर दिया, इससे आप बटन दबा के बाहर की ओर कर सकते हैं, और ज्यादा ज्यादा इसको आप ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हैं, बट ऐसे करना सही नहीं लगता है, कौन ही करता है ऐसे टेढ़े मेढ़े हाथ। तो ये चीज हो गई, यहाँ पे एक स्विच दिया है, इससे करके आप एक बटन दबा के आगे एक बटन दबा के पीछे, तो ये फीचर इसमें दोनों साइड है। और हमें मिलता है इसमें ये टिक टिक लंबा सपोर्ट के लिए पीछे, ये बैक काफी स्मूथ मेमोरी फोम से बना हुआ है, तो इसका जो कुशनिंग है बहुत अच्छी दी गई है। बाकी ये भी अच्छा है, एरिया काफी, आई थिंक इसमें स्प्रिंग टाइप है कुछ, बट एकदम स्प्रिंग है या फिर कुशन अंदर धरी है कुछ नहीं पता मुझे। तो अब बात करते हैं इसके मेमोरी फोम जो कि ये भी है हल्का सा, तो ये आपको नेक स्ट सपोर्ट में काफ़ी अच्छा काम आता है।
तो उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, बहुत नीचे ऊपर है। कोई बात नहीं, इसको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया होता है, राइट वाला करेंगे तो ऊपर सबसे टॉप पे है। सो इसको अगर हम नीचे करना चाहते हैं, सो ये हो गई चेयर नीचे, ठीक है। तो अगर आपको लीवर दबा के पीछे करना है, अभी मैं वो भी करके दिखा दूंगा। सो आप पीछे से मॉडल देख सकते हैं इसको कैसा लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ और ज्यादा फीचर है नहीं इसमें, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। सो अगर जैसे कि आप ऐसे बैठे हैं तो ये जो लीवर है इसको आपको फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह ऐसे करना है, बस बैक में बैठ के ऐसे रिलैक्स। पीछे और जाना है आपको अगर जरूरत है तो, चेयर को आगे लीजिए और आगे लीजिए और आगे लीजिए, वीडियो बार बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने खींचा, भाई साहब गाय जी तो 180 डिग्री जा रही है, कहाँ जा रही है? आई थिंक इट्स स्टेबल, ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर इस चीज को, स्विंग को अगर आपको रोकना है तो आपको ऐसे करके करना क्या है, ऐसे आपको उठना है। पहले आपको उठना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो आपका, आप देख सकते हैं इसके मूवमेंट कितने अच्छे हो रहे हैं, इसमें ज्यादा साउंड नहीं आता आपको। अब आपको मैच कराता हूँ उससे साउंड, जो कि मेरी कुर्सी है। ये है मूवमेंट इसके, ठीक है। तो इट्स लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग, तो अगर आपको साउंड मूवमेंट नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चेयर है, इसका प्रॉपर बैठने का एक्सपीरियंस और जो भी है इसका फील, और बाकी इज इट वर्थ कि इतना पैसा लगाया जा सकता है इसके ऊपर, वो मैं उसकी अलग वीडियो ले आऊँगा एक दो हफ्ते बाद, ताकि मुझे कुछ फील हो सके कि हाँ मैं सही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, तो अब बात करते हैं इसको जो मूवमेंट है, ये स्विंग मूवमेंट जो हो रहा था पीछे, उसको कैसे रोकना है, ये चीज़ को। इसको आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड पे आपको लीवर है यहाँ पे, तो इसको आपको आगे करना है, नहीं सॉरी पीछे करना है, पीछे पुल गियर को पीछे। अब ये इतने पर लॉक, अब ये पीछे नहीं जाएगी, ये देख रहे हैं, तो अब ये पीछे नहीं जाएगी, इतने पे ही लॉक हो जाएगी। किसी भी पोजिशन में आपको अगर वैसे रोकना है तो आप उसी पर लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको स्विंग चाहिए, पुश फॉरवर्ड ऐसे, थोड़ा सा और पीछे कि चेयर झूल सके, ऐसे ऐसे आप ऐसे ऐसे खेल सकते हैं इसमें। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप इसमें अभी इन्वेस्ट करें या ना करें ये आपके ऊपर है, बाकी मैं अपना प्रॉपर रिव्यू इसके ऊपर लाऊंगा। सो ये थी मेरी कहानी फ्रॉम दिस चेयर टू दिस चेयर, एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव चेयर से लेके आप इस गेमिंग चेयर। तो बेसिकली इसका फंडा ये है कि आपको सबसे अच्छा पीछे से लुक मिलता है। अगर कोई बंदा खेल रहा होता है गेमिंग वेमिंग, भले आती हो ना उसे आती हो, लेकिन वो गेमर जरूर दिखेगा, भले उसमें गेम के अंदर किल कितने किए हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे फील आता है। वीडियो बनाते वक्त अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही फील आता है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये आपको चेयर, अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो, आपको रिव्यू अच्छा चाहिए एक दो हफ्ते बाद तक ही मैं उसके ऊपर बताऊं, तो आप उस पर चेंज कर सकते हैं, वरना आई प्रिफर किया ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैंडी, मतलब हैंडी कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी। देखिए बस इतनी नीचे होती है, बस इतनी नीचे होती है, तो इससे ज़्यादा नीचे आप जाएंगे नहीं। और गाइस इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगले आने वाली वीडियोस पे बेल नोटिफिकेशन बजा दीजिएगा, दबा दीजिएगा, बजा दीजिएगा, गजब बेइज्जती है, क्या कह रहा हूँ, दबा दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी ये वीडियोस अगले आए वो आपको देखने को मिल जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चेयर की कहानी भी अच्छी लगी होगी, कैसी है क्या नहीं। अनबॉक्सिंग वीडियो है इसकी, अलग से प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो ट्यूटोरियल डाल दूंगा कैसे बनानी है, सेटअप असेंबली सब आप उसको देख लीजिएगा। सो इस चैनल पे बेसिकली जो जो नए व्यूअर्स आए हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पे हमारे ब्लॉग्स, अनबॉक्सिंग, बहुत चीज़ें होती रहती हैं, ये प्रॉपर एक किसी चीज़ का चैनल नहीं है ऐसा कुछ कि इस पर सिर्फ अनबॉक्सिंग ही और ये सब चीज़ें बात की जाती हैं। सो इसमें गेमिंग, टेक्निकल ये सब चीज़ें होती हैं अभी के हिसाब से,
बाकी आगे कुछ प्लान होंगे तो चैनल अलग कर सकते हैं, वो बात की बात है, बट अभी इस चैनल पे सारी ये सब चीजें होती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।